हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पार्वती करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्प्लांट किन्हें करवाना चाहिए और ये इम्प्लांट जो होता है वो कब करवाना होता है और इम्प्लांट के मटेरियल्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो इम्प्लांट उन्हें करवाना होता है जिनका मिसिंग टूथ है, मतलब कि उनका जो दांत है वो किसी कारणवश निकाल दिया गया है या फिर उन्होंने रूट कैनाल नहीं करवाना चाहा और दांत को निकालना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था दांत में, तो इसलिए उन्हें निकलवाना पड़ा। अगर दांतों के बीच में से कोई सा भी सेट निकाला जाता है, अक्कल दाढ़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, विजडम टूथ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, विजडम टूथ अगर निकाल दिया जाता है तो उसे रिप्लेस नहीं करवाना होता है। पर अगर सपोज दांतों के बीच में से अगर सेट निकाला गया है तो यस, उसको रिप्लेस करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि दांत जो है वो आगे पीछे हो जाएगा। तो अगर सपोज आप इम्प्लांट जो ऑप्शन है वो चुनते हैं तो आपका जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट के लिए सबसे पहले तो आपको देखा जाएगा कि जो हड्डी है, आपकी बोन की जो हड्डी है वो कितनी होती है, कितनी है आपकी। अगर प्रॉपर हड्डी है तो आपको इम्प्लांट दे दिया जाता है, और अगर सपोज हड्डी आपकी कम है तो हम बोन ऑगमेंटेशन करते हैं जिसमें कि आर्टिफिशियल बोन डालते हैं और उसके बाद फिर इम्प्लांट करते हैं। और अगर सपोज हड्डी बहुत छोटी है और बहुत कम है तो जो हड्डी की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा कम है तो उस केस में हम इम्प्लांट मना कर देते हैं क्योंकि उस टाइम के लिए इम्प्लांट सही रहेगा पर कुछ सालों बाद फिर वो इम्प्लांट फेल हो जाता है। इसलिए आपको जो इम्प्लांट रहता है, हम उसके लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं और उसके बेसिस पे हम इम्प्लांट का आपको सजेशन करते हैं। जहाँ पे भी मिसिंग टूथ है हम वहाँ पे इम्प्लांट डालते हैं। अगर यंग एज है तो इम्प्लांट बहुत अच्छे से टिक जाता है और बहुत अच्छा, और ये जो रिजल्ट है इसका बहुत अच्छा आता है इम्प्लांट अगर सपोज कोई यंग एज में करा रहा है। अगर इम्प्लांट थोड़े मिडिल एज या फिर ओल्डर एज में अगर कराते हैं तो भी इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, पर जो यंग एज के जो रिजल्ट आते हैं वो काफी अच्छा होता है क्योंकि उनमें बोन डेंसिटी बहुत अच्छी होती है, कैल्शियम अच्छा होता है, तो उसमें आपका जो इम्प्लांट है बहुत अच्छे से टिक जाता है। फिर आते हैं कि जो इम्प्लांट होता है वो आपको, अगर सपोज आपको ब्रिज लगवाना है तो भी आप इम्प्लांट करवा सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल दांतों में ब्रिज लगाते हैं, जैसे कि अगर सपोज दांत आपका निकाला गया है तो हम उसके साइड के जो दो दांत रहते हैं वो दोनों दांतों का सपोर्ट लेकर के आपको 3 यूनिट का ब्रिज देते हैं। पर अगर सपोज आपके एक दांत से ज्यादा निकाला गया है तो उस केस में जो दांत का सपोर्ट है वो ज्यादा लेना होता है और इसमें जो आपका नेचुरल दांत है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पर अगर आप इम्प्लांट करवाते हैं तो इम्प्लांट में आपका जो नेचुरल दांत है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। जहां पे भी आपका मिसिंग टूथ होता है वहां पे रिप्लेस किया कर दिया जाता है, या फिर अगर आपके मिसिंग टीथ हैं तो उस केस में आपको 2 से 3 इम्प्लांट दे करके आपका जो दांत है उसको लगा दिया जाता है, मतलब कि जो इम्प्लांट रहता है उसके ऊपर ही ब्रिज आ जाता है, आपका जो नेचुरल दांत है उसको हम नहीं छूते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। जो इम्प्लांट का मटेरियल रहता है वो बहुत अच्छा होता है, वो आपके टाइटेनियम का ही बना रहता है जिससे आपके टाइटेन वॉचेस बने होते हैं। तो जो टाइटेनियम मटेरियल रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो और वो जो इम्प्लांट्स होते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं आपके दांतों के लिए। वो आपको ऐसे अगर आप इम्प्लांट देखेंगे तो नॉर्मल आपको एक स्क्रू जैसे दिखाई देगा, पर वो बहुत अच्छा रहता है जब वो दांत के अंदर जाकर के फिट होती है। इसकी प्रॉपर जो फिटिंग है वो ऐसा नहीं कि आपको एक पेशेंट का जो इम्प्लांट है या नॉर्मल एक इम्प्लांट बनता है और वो सारे पेशेंट में डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। सारे पेशेंट्स के लिए अलग कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स होते हैं। इम्प्लांट में कभी भी, ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि इम्प्लांट में कभी रस्ट या जंग लगता है, नहीं, हम ऐसा मटेरियल नहीं डाल सकते हैं बॉडी के अंदर कि जिसके अंदर जिसमें रस्ट लगे। तो इसलिए आपको जो इम्प्लांट है वो टाइटेन का ही बना रहता है, टाइटेनियम मटेरियल उसमें रहता है और वो कंप्लीट रस्ट फ्री रहता है। अगर आप
जो ओल्ड पेशेंट रहते हैं, ओल्ड पेशेंट जनरली अगर सपोज उनकी सारे दांत निकल गए हैं तो भी वो इम्प्लांट करवा सकते हैं, अगर उनकी हड्डी सही है और हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हड्डी का थिकनेस अच्छा है, तो वो फुल माउथ इम्प्लांट डलवा करके और फिक्स ब्रिज लगवा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन रहता है। नहीं तो फिर आप डेंचर डालिए, जो डेंचर हम निकाल देते हैं रात में और फिर उसको सुबह में डालना होता है, अगर आप डेंचर में जा रहे हैं तो आप डेंचर को भी पहले आप डेंटिस्ट बनवा लीजिए, एक दो महीना उसको इस्तेमाल करिए, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर आपको वही डेंचर को आपको इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन रहता है। और इम्प्लांट से कोई भी नुकसान नहीं होता है, इम्प्लांट बहुत सेफ होता है, कोई भी इससे नुकसान नहीं होता है। इम्प्लांट के ऊपर जो कैप आते हैं वो आप कोई से भी कैप में जा सकते हैं, पीएफएम कैप में जा सकते हैं, जिसे हम जनरली नॉर्मली हम सिरेमिक कैप्स बोलते हैं, सिरेमिक कैप्स में भी आप जा सकते हैं, या नहीं तो आप कैडकैम टेलाइट, या फिर आपको अगर जरकोन कैप जाना है तो आप जरकोन कैप में भी जा सकते हैं। जो चॉइस होती है कैप की वो टोटली आपकी होती है, आपको जिसे जिस कैप में भी आपको जाना होता है। इम्प्लांट की जो कॉस्ट्स हैं वो वैरी करते हैं, क्योंकि जो कंपनी है या फिर जिस सिस्टम में आपको जाना रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से सिस्टम में जाना है, आपको कौन से कंपनी वाले इम्प्लांट में जाना होता है। तो दूसरे जैसे कि बहुत सारे इम्प्लांट्स होते हैं, वैरायटीज रहते हैं, तो उसके ऊपर आपको जो इम्प्लांट रहता है उसका कॉस्ट डिपेंड करता है। जनरली मिनिमम आपको 21,000-22,000 से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम ये आपको 30,000-40,000 तक भी जाता है सिंगल इम्प्लांट विथ कैप, आपको जो नॉर्मल कैप आता है पीएफएम कैप। अगर आप जरकोन कैप में जाना चाहते हैं तो फिर आपको कैप का डिफरेंट देना होता है, वो आपको कैप में इंक्लूडिंग नहीं रहता है, पर अगर सपोज आप पीएफएम कैप्स जा रहे हैं तो वो आपको जो कॉस्ट आपको बताया जाएगा वो आपको विथ कैप बताया जाएगा। बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और मेरा जो वीडियो है आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि इम्प्लांट कब लगवाना होता है, इम्प्लांट का मटेरियल क्या होता है, और क्या इम्प्लांट सेफ है, और इसका कॉस्ट कितना होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।